Hello creative fellow, welcome back to my channel again. Today we are going to learn how to make building. We already know that how to make walls and one floor. If you don't know how to make it, please visit my channel and see this video. Then you will learn and you will be able to make it. And please make sure that you subscribe my channel. Okay, thank you. Let's start the project. तो एक फ्लोर हम लोग बना लिए थे, उसके बाद हम लोग दूसरा तीसरा चौथा जितना चाहे हम फ्लोर बना सकते हैं यहाँ से। तो कैसे बनाएंगे? सीधी सी बात है, अगर मैं इसको डुप्लीकेट कर दूंगा तो ही हम लोग बना पाएंगे, बार बार एक ही चीज़ बनाने का ज़रूरत नहीं है। तो इसको डुप्लीकेट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, बस शिफ्ट ए दबाओ, जियोमेट्री नोड पर जाओ और एक ट्रांसफॉर्म ले लो। ट्रांसफॉर्म लेने के बाद एक जॉइंट जियोमेट्री लो and put here, then connect geometry to geometry and geometry to geometry. बस इतना छोटा सा बात है, लेकिन आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पे क्या हुआ, क्या डुप्लीकेट हुआ कि नहीं। तो अगर आप मेरा वीडियो पहले देखे हो तो आपको पता है मैं क्या करता हूँ। एक्स में जाऊँ और देखो बिंदास डुप्लीकेट हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे जेड एक्सिस में चाहिए, वाई एक्स मुझे जेड एक्सिस में चाहिए, क्योंकि बिल्डिंग ऊपर जाता है, बिल्डिंग ऐसे सीधा या दाएं बाएं नहीं जाता है, बिल्डिंग का फ्लोर वो जाता है दूसरा बिल्डिंग होता है, ठीक है। सो अभी क्या करना है, वी हैव टू एडजस्ट द जेड वैल्यू। अगर मैं जेड वैल्यू को एडजस्ट करूँगा देन वी कैन मेक ए डुप्लीकेट फ्लोर। लेकिन फ्लोर के बीच में जैसे गैप हो गया तो ऐसे हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, वी कैन एडजस्ट द वैल्यू टू एडजस्ट द फ्लोर। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है, अभी अगर नेक्स्ट मेरे को और एक फ्लोर चाहिए देन सेम थिंग, यू हैव टू डू सेम थिंग, जॉइन जियोमेट्री टेक ए ट्रांसफॉर्म नोट एंड कनेक्ट जियोमेट्री टू जियोमेट्री, ठीक है। फिर एडजस्ट द जेड वैल्यू एंड अगेन एडजस्ट जेड वैल्यू, ओके यू विल बी एबल टू मेक दिस। तो क्या करना पड़ रहा है हम लोगों, बार बार डुप्लीकेट करना पड़ेगा ऐसे करके। अगर ऐसे ना करके कुछ अगर ऐसा शॉर्टकट है तो अच्छा होता ना, हम एक दबाएंगे तो एक बिल्डिंग होगा, दो तो दो होगा, तीन तो तीन होगा। तो ऐसे कैसे करेंगे, ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे कैसे होगा? इजी है, बहुत इजी है। तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर दिया, तो यहाँ पे एक बिल्डिंग है मेरा, इसका डुप्लीकेट है, मेरे को इसका डुप्लीकेट नहीं चाहिए। तो क्या करूँगा, इसको मैं क्रॉस कर दूँगा। क्रॉस करने के बाद क्या हुआ, एक ही बिल्डिंग हो गया। तो मैं इसको जेड को मैं जीरो पे लेके आता हूँ, तो क्या हुआ एकदम नीचे आ गया। अभी क्या करूंगा, मैं इसके ऊपर एक एरेड नोड ले लूंगा, शायद आप लोगों को पता होगा पहले से मैं क्या करने वाला हूं। और एरे को मैं जेड एक्सिस में लेके जाऊंगा, जेड एक्सिस में ले जाने के लिए जेड में मेरे को वैल्यू पुट करना होगा, जेड में मैंने वैल्यू पुट कर दिया और एक्स का वैल्यू जीरो कर दूंगा, मेरे को एक्स में नहीं चाहिए। तो जेड का वैल्यू एकदम मार्च हो गया, देखा। अगर ज़्यादा छोटा बड़ा करना है तो ऐसे एडजस्ट कर सकते हो, नहीं तो वन देने के बाद बिल्डिंग एडजस्ट हो जाएगा ऐसे। अब क्या प्रॉब्लम है, अब प्रॉब्लम है जियोमेट्री नोट नहीं मिल रहे, तो क्या करोगे, चला गया नहीं चला गया, यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है, बस यू विल गेट द जियोमेट्री नोट एंड एंजॉय। देन अब क्या करना है, अब एक हो गया, ऐसे जितना चाहे तुम इतना बना सकते हो, तीन चार पाँच जितना चाहे उतना बना सकते हो। अच्छा और एक बात, अगर बिल्डिंग जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ऐसे मैंने सीधा कर लिया, जो पहला ट्यूटोरियल था उस ट्यूटोरियल में मैंने बिल्डिंग को 45 डिग्री में विंडो को घुमा के रखा था, जो रोटेशन एंगल है यहाँ पे मैंने 45 रखा था, इसको मैं जीरो कर दिया, ठीक है। इसको अगर आप पुराना प्रोजेक्ट फाइल डाउनलोड करके इसको प्रैक्टिस कर रहे हो तो इसका ध्यान जरूर रखना, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर नहीं तो आप इसी फाइल से प्रैक्टिस करोगे डाउनलोड करके
तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसी में सारे वैल्यू एडजस्ट कर दिए। अब प्रॉब्लम है जो बिल्डिंग का साइज मेरे को एडजस्ट करना है, तो मैं यहाँ से एक्स वैल्यू एडजस्ट कर सकता हूँ, वाई वैल्यू एडजस्ट कर सकता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है अगर मैं आउटपुट लेके जाता हूँ। अच्छा, आउटपुट लेने के लिए और एक शॉर्टकट देखो, यहाँ से यहाँ तक तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे छोटा होते जा रहा है, तो यहाँ से क्लिक करके लेके आओगे फिर क्लिक ऐसे नहीं होगा। आप अगर हम मेरे जैसा अंधे हो, आप लोग शायद नहीं हो, मैं हूँ, दिखाई नहीं देता ऐसे करके, बहुत छोटा छोटा है दिखाई नहीं देता है। तो क्या करोगे, ऐसे शिफ्ट ए प्रेस करके ग्रुप लेआउट में जाकर रीरूट कर लो। रीरूट करने से क्या होता है, ऐसे छोटा सा एक डॉट आ जाता है, इसको तुम यहाँ से इससे कनेक्ट करोगे और इसी को ऐसे सिलेक्ट करके यहाँ तक लेके आओगे, जहाँ पे लेके जाना है यहाँ तक लेके आओगे, फिर इसके ऊपर जूम करो, फिर इसको जहाँ पे कनेक्ट करना है तुम इसको कनेक्ट कर सकते हो। बहुत अच्छा चीज़ है ना, मेरे को भी पता नहीं है, थोड़ा देर पहले ही मैं इसको डिस्कवर किया, शायद आप लोगों को पता होगा, आप लोग मेरे से बहुत इंटेलिजेंट हो यार, ऐसा नहीं है, मैं इस फुद्दू हूँ, मैं फुद्दू नहीं है, मैं थोड़ा सा इंटेलिजेंट है ना, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, आप लोगों से ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा तो। अच्छा ठीक है, बहुत हो गया गपशप। अभी क्या करना है, मेरे को एक्स और जेड का जो वैल्यू है वो अलग अलग करके कंट्रोल करना है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ तो मेरे को एक ही नोड मिलता है, तो इसके लिए क्या करना है, शिफ्ट ए प्रेस करके मेरे को और एक नोड लेना है, कॉम्बाइन एक्स वाई। कॉम्बाइन एक्स वाई जेड लेने के बाद मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा। अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जीरो है इसीलिए नहीं दिखाई दे रहा है, बस इसको वन पुट करो, अभी सारे कुछ दिख रहा है। तो अभी क्या है, ये जो एक्स है और वाई है, इसका एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में इसका वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन जो जेड है, जेड क्या करता है, जेड जस्ट स्ट्रेच करता है, मतलब हाइट बढ़ाता है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक रीरूट लेता हूँ, रीरूट लेने के बाद लेआउट रीरूट, रीरूट लेने के बाद क्या करूँगा, मैं एक्स एंड वाई का जो वैल्यू इसको मैं एक साथ कनेक्ट करूँगा, और जो जेड का वैल्यू होगा, जेड का वैल्यू होगा उसको मैं एक के साथ कनेक्ट करूँगा। तो जेड होगा वो हाइट चेंज करेगा, और जो एक्स होगा, एक्स वाई, वो एरिया चेंज करेगा, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं इसको लेके जाता हूँ जहाँ तक लेके जाना है मेरे को, यहाँ तक लेके आया मैं, अभी इसको मैं कनेक्ट कर दूँगा। ये बहुत इजी है, मतलब वहाँ से लेके आना, फिर उसको कहाँ से कनेक्ट हो रहा है फिर दिखाई नहीं देता, ठीक है। यहाँ से कनेक्ट हो गया, तो यहाँ पे कनेक्ट नहीं होना चाहिए, हाँ यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। अभी मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से कनेक्ट करूँगा आउटपुट, यहाँ से इसको कनेक्ट करूँगा, और यहाँ से इसको कनेक्ट करूँगा, ठीक है। और कनेक्ट करने के बाद मैं इसी इनपुट का नाम क्या दूंगा, देखो ये इनपुट कौन सा वैल्यू चेंज कर रहा है उसी के ऊपर, ये इनपुट देखो, ये इनपुट मैं ऑन करता हूँ, इसको भी मैं ऑन करता हूँ, ठीक है। तो कौन सा वैल्यू कौन चेंज कर रहा है उसके हिसाब से नामकरण करना है उसका। तो कैसे करोगे, ऐसे देखना है, ये क्या कर रहा है, एक्स वाई में स्केल कर रहा है, तो इसका नाम दूंगा मैं बिल्डिंग स्केल, BUILDING, बिल्डिंग स्केल नाम दे दिया। और इसको इसका जो डिफॉल्ट वैल्यू होगा, डिफॉल्ट वैल्यू मैंने एक दिया, मिनिमम वैल्यू एक, और मैक्सिमम मान लो मैं इसको 20 देता हूँ, 20 का ज़्यादा नहीं कर, जो बिल्डिंग का स्केल एक से कम नहीं होगा, ठीक है। और इसका नाम क्या दूंगा मैं, बिल्डिंग स्केल दिया ना, बिल्डिंग स्केल के बाद अभी इसका नाम दे दूंगा मैं बिल्डिंग हाइट, HEIGHT हाइट, बिल्डिंग हाइट नाम दिया। बिल्डिंग हाइट में डिफॉल्ट वैल्यू एक ही देता हूँ, मिनिमम वैल्यू एक, मैक्सिमम वैल्यू मान लो मैं 10 दिया, ज़्यादा नहीं दूंगा। अभी यहाँ से मैं कंट्रोलर का देखता हूँ, जो कंट्रोलर मैंने बनाया वो सही से काम कर रहा है कि नहीं वो मैं देखता हूँ अभी, ठीक है। तो देखो अभी क्या हो रहा है, अगर बिल्डिंग स्केल करूँगा तो बिल्डिंग आराम से स्केल हो रहा है ना, बिल्डिंग आराम से स्केल हो रहा है, साथ में विंडो भी स्केलिंग हो रहा है।
अगर विंडो का स्केल छोटा बड़ा करना है तो आप लोगों को पता ही है, अगर पिछला वीडियो देखा हो तो पता होगा कैसे होता है। फिर ऐसे छोटा कर लेना, ऐसे छोटा करने के बाद और जेड एक्सिस में इसको विंडोज पोजिशन को एडजस्ट कर देना, कोई बात नहीं। विंडोज स्केल इंडी से कर सकते हो, विंडोज साइज बढ़ा सकते हैं ऐसे, विंडोज स्केल छोटा कर सकते हो ऐसे, चाहे ऐसे आपको हाइट भी ऐसे स्ट्रेच कर सकते हो। ठीक है, बहुत मस्त वीडियो ना। थैंक यू गाइस आज का वीडियो देखने के लिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अगर अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कर देना, लेकिन प्लीज कमेंट में बता के जाना क्यों डिसलाइक कर रहे हो, क्यों अच्छा नहीं लगा, तो मैं भी अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव कर दूँ। और लास्ट में जाते जाते तो सब्सक्राइब कर देना और सोशल मीडिया में मेरे को फॉलो कर लेना और इसको प्रैक्टिस करना। कोई प्रॉब्लम होगा तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं ट्राई करूँगा सॉल्व करने के लिए। और थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।